जय माँ संतोषी आप सभी पर जगत जननी माता संतोषी की कृपा बनी रहे। आप सभी के जीवन में खुशियाँ आए ऐसी शुभकामना के साथ में आइए जानते हैं माता संतोषी के व्रत में। यदि आप पूर्ण करना चाहते हैं व्रत को, माँ की पूर्ण कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो विधि विधान भी पूर्ण ही होना चाहिए। आप सभी तो जानते हैं माता को फूल चढ़ाना, माता की आरती करना, फल चढ़ाना, उनको दंडवत प्रणाम करना, उनके नाम की माला जप करना इत्यादि बातें हम आप सभी तक पहुंचाते रहते हैं। आज उसी क्रम में चलिए जानते हैं माता की पूजा बिना परिक्रमा के पूर्ण नहीं मानी जाती है। किसी भी देवी देवता की आराधना पूजा उनकी कृपा पाने के लिए अवश्य ही जब कथा व्रत पूर्ण हो जाए तो परिक्रमा अवश्य ही करना चाहिए। यदि आप माँ के मंदिर संतोषी माँ के मंदिर जा सकते हैं, आसपास है तो ठीक है, अन्यथा आप अपने फोटो के जो फोटो रखते हैं, तस्वीर माँ की रखते हैं और तो उसके चारों ओर घूम करके प्रदक्षिणा पूर्ण करना चाहिए। प्रदक्षिणा, दक्षिणा का अर्थ है दक्षिण से, माने दाहिने हाथ से शुरू करना चाहिए प्रदक्षिणा और बाईं ओर से लौटकर आना चाहिए, फिर माँ को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन कितनी परिक्रमा करें? शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा, भगवान गणेश की 4, भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों की 4 तथा देवियों की 1 परिक्रमा, हनुमान जी की 3 परिक्रमा तथा शंकर भगवान की आधी प्रदक्षिणा करने का नियम है। उनकी जलधारी को नहीं लांघना चाहिए, उसमें संपूर्ण तीर्थ समाये होते हैं। तो माता संतोषी की भी 1 ही परिक्रमा, क्योंकि देवी की 1 परिक्रमा का विधान शास्त्रों में बताया गया, तो माँ संतोषी देवी हैं, जगत जननी है, तो उनकी भी परिक्रमा 1 ही होती है। शास्त्रों में लिखा है यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे, अर्थात जाने अनजाने में किए गए पाप तथा पूर्व जन्म के समस्त पाप प्रदक्षिणा के पग पग पर, जब आप प्रदक्षिणा करते हैं, एक एक पैर आगे बढ़ाते हैं, तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो माता संतोषी का व्रत करें और विधि विधान से करें, जो भी व्रत विधान है वो सभी का नियम का संयम का पालन करें, सत्य अहिंसा इत्यादि का पालन करते हुए, झूठ कपट निंदा इत्यादि अधर्म से बचते हुए माँ की पूजा पूरी करें। 16 शुक्रवार करने का तो विधान है, जो हमेशा करना चाहे वो हमेशा भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी पूरी हो जाए पूजा, जैसे कि कथा आरती इत्यादि, उसके बाद माँ की प्रदक्षिणा करना एक और फिर उन्हें दंडवत प्रणाम करना। तो इस तरह से माँ प्रसन्न होती हैं आप सभी पर। माँ संतोषी जगत जननी पराम्बा भगवती की असीम अपार कृपा बनी रहे। संतोषी माता आप सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, आपका परिवार खुश रहे, आपके जीवन में खुशियाँ आए, इसी शुभकामना के साथ में आप सभी प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय।